बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की फिल्म मॉम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस फिल्म के साथ श्रीदेवी ने एक बार फिर से बॉलीवुड में अपना कमबैक किया है। श्रीदेवी ने 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है, जिसका दर्शकों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। और अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 2.9 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे ही दिन इस फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए 5.8 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर तीनों दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 3 दिन में 14.5 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म से श्रीदेवी की जमकर तारीफ हो रही है। ये फिल्म हिंदी भाषा के लिए 1260 स्क्रीन पर रिलीज की गई, वहीं तेलुगु वर्जन के लिए ये फिल्म 36 स्क्रीन पर रिलीज की गई। वहीं इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को भी काफी प्रशंसा मिल रही है। हालांकि ये देखा गया है डार्क फिल्मों को आमतौर पर जोरदार ओपनिंग नहीं मिलती है, इस लिहाज से ये शुरुआत ठीक है। कुछ साल पहले रिलीज हुई ऐसी ही फिल्म नो वन किल जेसिका ने भी शुरुआती 3 दिनों में 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।